देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको। स्क्रीन दिख रहा है ठीक है। ये देखिए लास्ट में लास्ट क्लास हम लोग ट्रैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स स्टार्ट किए थे। वापस से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर देखा था। ये हमारा मान लीजिए एनायंस है। ये हमारा एनायंस है, तो इसके जो होल्स होंगे, जो यहाँ पे इनका वॉइड्स जो बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ अगर बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस जगह पे बनेगा, तो इन सब जगह पे आपका कैटायंस आना चाहिए। ठीक है, इन सब जगह पे आपका कैटायंस आके बैठेगा। तो इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को वापस रिव्यू करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी आप कॉपी में बना लो, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखिए और सभी होल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे वापस से कि एटम्स कहाँ पे बैठ रहे हैं। देखिए ये आपका एक वर्ड पे एटम्स चला गया, फिर एक दूसरा वर्ड पे चला गया। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड एरे ऑफ एनायंस टू मेक आयनिक कंपाउंड्स कैटायंस आर प्लेस्ड इन द वॉइड्स ऑफ दीज एनायंस। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए कैटायंस को इनके वॉइड्स में प्लेस किया जाता है या रखा जाता है। अभी देखिए ये बेसिकली कैसा है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक, लेकिन बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं। बहुत सारे सॉलिड्स कहने का क्या मतलब है, या यू कहे तो हम ये पॉइंट पढ़ क्यों रहे हैं। तो अभी देखो मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनका इन्हांस्ड प्रॉपर्टी आता है। इन्हांस्ड प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि कुछ अलग प्रॉपर्टी। क्या क्वेश्चन है, एरे क्या होता है? एरे का मतलब है जस्ट एक अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब एक तरीके का अरेंज। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका एटम चला गया, उसके बाद एक इस तरीके से एटम चला गया। राशि अपने मोबाइल पे लिखना बंद करो। ठीक है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स को हम एरे कहते हैं। राशि अपने मोबाइल पे लिखना बंद कीजिए। ठीक है, तो इन एरेज मतलब इन अरेंजमेंट्स में, फिर मतलब एन आयन के अरेंजमेंट्स में हम क्या करेंगे, कैटायंस को पुट करेंगे। अब पुट इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके, प्रॉपर्टीज को अच्छा किया जा सके। अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर घर का जो चम्मच है जिसको हम यूज़ करते हैं खाने वाने के लिए, तो उस चम्मच को अगर लोहे का बनाया जाए तो उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें जंग तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, आज लगे चाहे 2 महीने बाद लगे या तो 6 महीने बाद लगे, लेकिन लगेगा जरूर। उसी जगह पे आप स्टील का चम्मच अगर यूज़ कर रहे हैं तो देखिए उसमें जंग नहीं पकड़ता। ठीक है, तो फर्क क्या है, तो वो जो स्टील है वो एक अलॉय है, उसमें काफी सारे मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे किए जाते हैं ताकि उसे हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। तो पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मटेरियल को अच्छा करने के लिए कुछ दूसरे एलिमेंट्स को हम उसमें डाल देते हैं। जैसे जो गाड़ियां हैं, ठीक है, जैसे कार अगर आप देखो तो पहले जो एम्बेसडर कार था वो कैसा बनता था, तो पूरे का पूरा चदरा का बनता था, या यूं कहे तो लोहे का बॉडी होता था। लेकिन अभी कैसा है, तो अभी जो है ये फाइबर बॉडी का बनता है। ठीक, फाइबर बॉडी कहने का मतलब है कि वैसे मटेरियल्स जो जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, मॉलिब्डेनम की मात्रा होती है, ठीक है, या निकल की मात्रा है, जिंक की मात्रा है, जिसके वजह से उसको सस्ता और अच्छा बनाया जा सके ताकि वो बॉडी जल्दी खराब ना हो। तो आयनिक सॉलिड से आयनिक कंपाउंड्स की जो पैकिंग है वो इस तरीके से चेंज करते हैं। देन ठीक है, ये मैंने कल आपको दिखाया था, येलो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और ग्रीन
आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। एंड रिलेटिवली स्मॉल साइज कैटायंस ऑक्यूपाई ठीक है। रिलेटिवली स्मॉल साइज कैटायंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट एग्जाम्स में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, बिगर कैटायंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो बड़े बड़े साइज वाले कैटायंस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं, और जो छोटे साइज वाले कैटायंस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को मैंने स्टार मार्क कर दिया है, आप इसे अपने नोट्स में पक्का ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ कैटायन इज टू लार्ज देन पैकिंग इज मॉडिफाइड टू अकोमोडेट द कैटायन। अभी इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक का आपका, या फिर कोई स्ट्रक्चर है FCC का या BCC का, तो इसमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट है सभी एटम्स का, ठीक है। तो अगर परफेक्ट अरेंजमेंट में आपका अगर कैटायंस फिट नहीं होता, तो ये अरेंजमेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो भी कैटायन है, अगर बड़े साइज का कैटायन है तो जो वॉइड है वो वॉइड थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस बड़े साइज वाले कैटायन को उसमें भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये जनरली होता है तो हीटिंग के प्रोसेस से, जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो हीट करने से क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भागते हैं। तो दूर भागने से क्या होगा, जो वॉइड्स हैं वो वॉइड्स थोड़े साइज में बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के वजह से जो आपके पास बड़े साइज वाले कैटायन है, जैसे सीजियम को आप ले लीजिए, फ्रांसियम ले लीजिए, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बड़े वाले जो नीचे एलिमेंट्स आएंगे वो सभी बड़े साइज वाले कैटायन होंगे, ठीक है, जैसे पीरियड 5, 6 और 7 वाले। तो उस कंडीशन में क्या है कि हीटिंग करने से जो भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और उसके बाद ये बड़े साइज वाले कैटायन उसमें भरे जा सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे साइज दिखाया गया है आपको, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया है क्यूब का। इसमें जो भी एटम्स हैं वो कॉर्नर वाले हैं, ये सभी कॉर्नर वाले एटम्स हैं, और जो रेड कलर से दिखाया गया है ये आपका कैटायन है, ठीक है। तो कैटायन जब अप्रोच करता है किसी भी एनायन को, तो उस कैटायन के साइज के हिसाब से सभी एनायन जो है वॉइड्स को क्रिएट करते हैं, ताकि वहां पे कैटायन को भरा जा सके, ठीक है। इसी को यहाँ पे कहा गया है मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, तो एनायन और कैटायन के वजह से जो फिटिंग होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो परफेक्ट होना चाहिए। Then examples of ionic solids, cation when placed in tetrahedral void. देखिए यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये examples. आपको एग्जाम में डायरेक्टली examples पूछा जाता है। अभी किसके किसके पास NCERT बुक है, किनके किनके पास NCERT बुक है अभी, अभी नहीं, या तो 12th का बुक है आपके पास, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, ठीक है। उस लिस्ट में कुछ चीजें हैं, जैसे रेडियस रेशियो होगा, एग्जांपल्स होगा, ठीक है। अभी एक दो एक टॉपिक आगे और बताना है, वो टॉपिक होगा, और वो लिस्ट आपको याद करना होगा। वो लिस्ट कंपलसरी कंपटीशन में पूछता है और बोर्ड्स में भी पूछता है।
ठीक है, जिसके पास जो है चाहे पीडीएफ है या बुक है, आप उसको नोट्स कॉपी में लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल है Li2O, Li2S, Li2SE, Na2O, Na2S एक्सेट्रा विथ रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब क्या है, यहाँ पे लिथियम 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे लिथियम 2 है तो सल्फर 1 है, यहाँ पे लिथियम 2 है तो सेलेनियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2 है तो सल्फर 1 है। तो इसी रेशियो को यहाँ पे दिया गया है और कहता क्या है कि जो भी कैटायंस है यहाँ पे, जैसे लिथियम है, वो ऑक्सीजन के टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके बैठता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स विथ रेशियो 2:1 व्हिच मींस देयर आर टू टेट्राहेड्रल होल्स दैट इज एन आयन इन एन इन एन एरे। इफ द रेशियो इज लेस देन 2:1 देन द टेट्राहेड्रल होल्स रिमेन वैकेंट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं वापस एक लाइन लिख रहा हूं, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम देन टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2z। ठीक, मतलब जितना एटम होगा उसका 2 गुना आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखो आपके पास नंबर ऑफ एन आयन कितने हैं, हर जगह एक है, ठीक है, हर जगह एक एन आयन है, इसे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि दिखे आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक सल्फर है, यहाँ एक सिलेनियम है, एक ऑक्सीजन फिर एक सल्फर, ठीक, तो नंबर ऑफ एन आयन्स कितने हैं, 1, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो कितने होंगे, 2, ठीक, मतलब ठीक डबल होगा आपका टेट्राहेड्रल होल्स। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नोट्स में आना चाहिए, हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले भी लिखाया है इस पॉइंट को। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रेशियो इज लेस देन 2:1 देन द टेट्राहेड्रल होल्स रिमेन वैकेंट। अब क्या कहता है कि अगर ये रेशियो 2:1 का जो रेशियो है अगर वो कम होगा तो क्या होगा। ठीक, तो एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एनायन जो है वो है 20, ठीक, तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होगा वो हो जाएगा 20। अब सपोज कीजिए जो कैटायन है, कैटायन 10 ही है, तो अनऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन चौथा पॉइंट का लिखा हुआ है, ठीक है, अभी चौथा पॉइंट क्या कहता है फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए अगर कहता है कि ये एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स मतलब Li2O, Li2S, Li2SE, Na2O, ठीक है, अगर ये एग्जांपल 2:1 का है, अगर 2:1 का एग्जांपल ना हो तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने कैटायंस हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और बाकी के टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो खाली रहेंगे। ठीक, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास 20 एनायन है तो मेरे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 20। उसके बाद अगर कैटायन मेरे पास 10 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कितने ऑक्यूपाई करेंगे, टोटल 10, बच गया कितना टेट्राहेड्रल वॉइड, मेरे पास टोटल 10 टेट्राहेड्रल वॉइड खाली रहेंगे। तो इस टाइप के एग्जांपल में से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है जिंक सल्फाइड ZnS का, ठीक है, तो इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये पॉइंट क्लियर है सबको, यहाँ पे चारों पॉइंट देखो, ये पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है क्वेश्चन में, ठीक है, ये और ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ही पूछता है।
बाकी लोगों को? राज तो क्लियर है, मोहित तो क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अभी हमने हमने क्या पढ़ा है कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक, तो वॉइड्स जो क्रिएट होते हैं वो बेसिकली किसके वजह से होते हैं, एनायंस के वजह से। ठीक है, अब इसको मैं चलो आपको बस यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। या एग्जाम्पल को बैक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को वापस इस ड्राइंग में देखते हैं। यहाँ पे ये जो स्फेयर है ये मेरे पास क्या है, तो एनायन है। ठीक है, अब जितना एनायन होगा उतना ही मेरे पास टेट्रा उस सॉरी उससे 2 गुना मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनायंस है जब वो एक दूसरे से आके ओवरलैप करते हैं या एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उनके वजह से ही हमको यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का जनरेशन दिखता है। ठीक है, उनके वजह से हमको टेट्राहेड्रल वॉइड का जनरेशन दिखता है। तो अब मान लीजिए आपके पास जो कैटायन है, जैसे यहाँ देखो कैटायन मैंने 10 लिया है, इसका मतलब है कि एनायन से कैटायन कम है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखते हैं NaCl, NaCl। अब सपोज कीजिए हमने रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्लोरीन ले लिया 15, और सोडियम हमने ले लिया है 6। ठीक है, तो क्लोरीन अगर 15 है तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा मेरे पास 30। अब देखो क्लोरीन मेरे पास अगर 15 है, हमने क्लोरीन अगर 15 लिया है तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा टोटल 30। ठीक है, 30 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। अब 30 टेट्राहेड्रल वॉइड में मुझे कितने सोडियम बिठाने हैं, तो टोटल 6 बिठाने हैं। ठीक है, अब 6 सोडियम बिठाने हैं तो अनऑक्यूपाइड, ठीक है वापस से मैं लिख रहा हूँ, देखिए अनऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया। अब रिलेशन कैसे आया, तो 30 क्लोरीन और 6 सोडियम, 30 अगर क्लोरीन है तो 6 सोडियम है तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो खाली रहेंगे 24। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है जो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जितना एनायन होगा उसका 2 गुना मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि एनायन मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्रिएट करते हैं। एनायन हो सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, दोनों को एनायंस ही क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे लेंगे, तो एनायंस के वजह से ही लेंगे। ठीक है, बाकी जो कैटायन है वो उस वॉइड्स में जाके बैठेगा, उस खाली जगह पे जाके बैठता है। क्लियर है अभी थर्ड और फोर्थ पॉइंट? थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्लियर है अभी? ठीक, और आशी बोलो। सर आप एग्जाम्पल में एनायन 20 दिए थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी 20 कैसे होगा? एनायन कितना दिए थे? हाँ सर 20 और टेट्राहेड्रल वॉइड भी आप 20 लिखे थे। नहीं, 40 होगा वो, तब गलती से लिखा गया। ठीक है, वो डबल होता है, तब से मैं डबल डबल बोल रहा हूँ।
ठीक है, एनायंस के डबल में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने एनायंस होंगे उतने ही होंगे। ठीक है, वो बाय मिस्टेक से 20 लिख दिया मैंने, इसको 40 कर दूंगा। ठीक है, जो आपको स्क्रीन में शेयर करूंगा तो देखता हूँ उसको 40 करके दूंगा आपको। ठीक है, ओके। अनऑक्यूपाइड वर्ड 24 कैसे हुआ? जैसे आपके पास 30 ही खाली, जब मान लीजिए आपके पास 30 खाली बेड है, ठीक है, और आपको उसमें से 6 लोगों को भरना हो तो आप 6 बेड पे ही उनको सुलाएंगे तो आपका बचा कितना? 24 खाली बेड। तो उसी तरीके से आपके पास अगर 30, अगर आपके पास 30 टेट्राहेड्रल वर्ड है और आपको उनमें से भरना हो 6 कैटायंस को, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हो? 6 में ही भर सकते हैं, तो 24 आपका टेट्राहेड्रल वॉइड खाली रह जाएगा। नेक्स्ट है कैटायन व्हेन प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं इसे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कब बनता है? जितने कैटायन सॉरी जितने एनायंस होंगे उतने ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी होंगे। तो क्लोरीन अगर एक है तो यहाँ पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी एक ही बनना चाहिए, तो उस हिसाब से सोडियम भी एक ही पुट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो किस किस के रूप में आएगा? 1:1 के रूप में आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो मॉलिक्यूल्स का रिलेशन होता है वो 1:1 का होना चाहिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो रिलेशन है वो 2:1 का होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रूल। अभी ये रूल जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेडियस रेशियो रूल समझाने से पहले मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूँ, और ये ड्राइंग आपने देखा है पहले भी, एक मैंने क्वेश्चन दिया था लिथियम और क्लोरीन का। अब देखो यहाँ पे ये एक स्फीयर, ये आपका दूसरा स्फीयर और ये आपका तीसरा स्फीयर। ठीक है, ये जो स्फेयर्स हैं ये स्फेयर्स क्या हैं? तो ये हैं आपके एनायन, ठीक। अब इस एनायन के बीच में हमारे पास क्या आएगा? तो यहां पे आएगा कैटायन। ठीक है, अब इसका बेसिक मतलब क्या है? तो इस चीज को मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। देखिए ऐसा, ठीक है, दो दो सर्कल में बना रहा हूं, तीसरा छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो है मेरा, ये है मेरा कैटायन। ठीक, तो इस कैटायन को कहां पे रखा गया है? इस वॉइड के बीच में रखा गया है। तो कैटायन क्या करना चाहिए? कैटायन जो है इस एनायन को भी टच करेगा, ठीक है, और इस वाले एनायन को भी टच करेगा। देखिए मैं दोनों एरो से दिखा रहा हूं, दोनों को ये टच करेगा। तो ये जो सेंटर है और ये जो एरो दिखाया गया इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस किसका? तो रेडियस ऑफ कैटायन, आर ऑफ कैटायन। अब इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करेंगे हम आर प्लस। ठीक, उसके बाद इसका एक सेंटर होगा, इस सेंटर से यहां का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन। इसको डिनोट करते हैं हम आर माइनस से।
रेडियस ऑफ एनायन। कुणाल रुक जाइए, समझाने दीजिए, फिर पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ एनायन। अब बेसिक चीज क्या है, मान लो इस जगह पे जो, देखो यहाँ माउस से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो वॉइड है, अब इस वॉइड का जो रेडियस है, मान लीजिए रेडियस आपके पास होगा यहाँ 10 नैनोमीटर का, ठीक है? तो इसमें वही कैटायन आके बैठेंगे जिसका रेडियस 10 नैनोमीटर होना चाहिए या तो 10 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। अगर 10 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे कैटायन बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो रेडियस रेशियो रूल जो है ये हमको ये भी बतलाता है कि वो कौन सा सॉलिड जो है वो परफेक्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट है। अगर रेडियस में आर प्लस का अगर साइज बढ़ जाता है, मतलब आर प्लस का अगर वैल्यू बढ़ जाता है, तो कैटायन उस जगह फिट नहीं होगा, उस वॉइड में बैठ नहीं सकता, जिसकी वजह से सॉलिड अनस्टेबल हो जाएगा, सॉलिड टूट जाएगा या टूटने के कगार पे रहेगा। ठीक, तो बेसिक फंडा क्या है, अगर एक सॉलिड को कम्प्लीटली बनना है, सॉलिड का अगर फॉर्मेशन होना है, तो उस कंडीशन में जो आर प्लस का साइज है वो वॉइड के साइज के बराबर होना चाहिए या तो वॉइड के साइज से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, फॉर सॉलिड या फॉर कैटायन टू perfectly fit in the void, the radius of cation should be less than the void or equal to the void. ठीक है, otherwise, if the radius of cation is more than the radius of void, the solid will be unstable. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो बेसिकली बतलाता है कि आपका सॉलिड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक, रेडियस रेशियो जो है वो दिया जाता है आर प्लस अपॉन आर माइनस से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए R प्लस क्या है, तो रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे R ऑफ कैटायन, इसके बाद R एनायन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू R of void divided by R of atom. ठीक है, तो यहाँ पे जो void है वो basically क्या है, cation ही है, और जो atom है वो आपका क्या है, anion ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, ये formula है एक ही, लेकिन तीन अलग अलग तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये तीनों ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं, या तो डायरेक्टली आपको R प्लस R माइनस दे देगा, या फिर कैटायन एनायन लिखेगा, या फिर वॉइड और एटम लिखेगा। तो जब वॉइड की बात करेंगे तो कैटायन की बात करेंगे, जब एटम की बात करेंगे तो एनायन की बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं देखो इसे एरो से इधर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में कंफ्यूज होके कुछ का कुछ आप सोच लो। हाँ, अभी कुणाल क्या डाउट है पूछिए।
कुणाल, अभी कोई डाउट है? क्या बोलो? आपको अनम्यूट कर दिए हैं, बोलिए। सर, हाँ बोलो। जैसे एनायन और कैटायन एक दूसरे से अटैच रहेगा, लेकिन एनायन एनायन तो एक दूसरे में अटैच नहीं ना रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा एनायन एनायन अटैच। रेडियस रेडियस तो टच रहेगा ही कैसे ना। रहेगा अरे बाबा, हमने क्या पढ़ा है सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड में कम से कम खाली जगह होना चाहिए। अब जैसे देखो, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उस तरीके से, तो जब तक एक एटम दूसरे एटम से कंप्लीटली टच नहीं रहेगा तो वो सॉलिड कैसे बनेगा? हम लोग पढ़े हैं ना सॉलिड्स का इंटर मॉलिकुलर या इंटर एटॉमिक, चाहे तो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि एक नेगेटिव एटम है या नेगेटिव आयन है और वो दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है कि एक आयन यहाँ है तो दूसरा आयन यहाँ पे होगा, ठीक। तो तीसरा आयन जो है वो दूरी पे होगा, जिसके वजह से उस सॉलिड का ताकत घट जाएगा, ठीक है। अब अगर ताकत घट जाता है तो वो सॉलिड सॉलिड नहीं रह के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक परफेक्ट सॉलिड के लिए कम से कम खाली जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स, या यू कहे तो सभी आयंस, एक दूसरे को कंपलसरी टच करते हैं, ठीक है। तभी तो सॉलिड का निर्माण होगा, वरना पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, वो पानी में बदल जाएगा। तो घर बनाएंगे तो घर ढह जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है अभी? चलो आगे देखते हैं।